हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. कॉलम वन दिया, कॉलम टू दिया, मैच करके बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच है. एलेंस रूल की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये जो एलेंस रूल है ये किससे रिलेटेड है, ये जो कोल्ड एनवायरनमेंट में जो मैमल्स हैं उनसे रिलेटेड है. तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, मैमल्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स. ये तो सही है कि जो कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले मैमल्स हैं उनमें जनरली शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स है टू मिनिमाइज हीट लॉस, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट लॉस ज़्यादा होगा. तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कोल्ड क्लाइमेट में जो मैमल्स हैं उनसे रिलेटेड है. नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इन तीनों में से किसमें देखने को मिलता है, ये कंगारू रैट में देखने को मिलता है. जो कंगारू रैट हमें पता है कि जो नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में पाए जा रहे हैं, जहाँ पे लेस वाटर अवेलेबिलिटी होने के बाद भी वहाँ पे जो है उस कंडीशन से मीट कर पा रहे हैं. कैसे, बाय इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन. एक तो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करने से यहाँ पे जो है बाय प्रोडक्ट क्या आता है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट जो है वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे आ जा रहा है वाटर. दूसरा क्या है, कंसेंट्रेट यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, जिससे क्या होगा कि वाटर जो है कंजर्व रह रहा है बॉडी के अंदर. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरह का फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है. नेक्स्ट, बिहेवियरल अडेप्टेशन अगर हम देखें, डेजर्ट लिजर्ड में देखने को मिलता है. तो डेजर्ट लिजर्ड की अगर हम बात करें, इनका जब बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाता है तो ये कहाँ चले जाते हैं, ये जो है ग्राउंड पे अगर हम देखें, जैसे यहाँ जाके यहाँ पे बास्क करेंगे. और जब टेम्परेचर जो है ये एम्बियंट टेम्परेचर से अगर थोड़ा यहाँ पे अगर हम देखें, जितना बॉडी टेम्परेचर से अगर ज़्यादा हो गया, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया इनका, तो बढ़ गया तो क्या कहेंगे, ये वापस जो है शेड में चले जा रहे हैं. तो ये जो है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे जो है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करे, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है अगर टेम्परेचर बाहर का बढ़ेगा तो इनका भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा. तो इसलिए अगर हम देखें टेम्परेचर जब कम होगा तो ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, और जब टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है तो ऐसे जगह जहाँ पर टेम्परेचर कम है. तो एक तरह का क्या है, बिहेवियरल अडेप्टेशन है. नेक्स्ट, बायोकेमिकल अडेप्टेशन जो है किसमें देखने को मिल रहा है, ये मराइन फिश एट डेप्थ. तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या होता है कि जो लार्ज वैरायटी ऑफ मराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश जो होते हैं वो ग्रेट डेप्थ पे रह पा रहे हैं, जहाँ पर प्रेशर अगर हम देखें वो मोर देन 100 टाइम्स ऑफ जो नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर है उतना होता है, तब भी सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल अडेप्टेशन. जैसे कि अगर उनमें कुछ प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो उसकी वजह से जो है यहाँ पर अडेप्ट कर पा रहे हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे ए का क्या होना चाहिए, 4, ए का 4 इन तीनों में दिया है, पहले तीन में, और चौथे में यहाँ थर्ड दिया है, तो ये वाला गलत होगा. देन बी का क्या होना चाहिए, बी का फर्स्ट यहाँ दिया है, इसमें थर्ड एंड सेकंड है, तो ये दोनों गलत है. देन सी का क्या होना चाहिए, सेकंड सही दिया है. डी का क्या होना चाहिए, थर्ड सही दिया. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द